नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है, लोगों को इंतजार है कि जल्द से जल्द बादल बरसे और इस गर्मी से राहत मिले। तो दिल्ली वालों के लिए एक राहत भरी खबर हम लेकर आए हैं। बता दें कि दिल्ली वालों को अब भीषण गर्मी से निजात मिलने वाली है। जी हाँ, दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन कुछ इलाकों में लू का प्रकोप जारी रहेगा। दिल्ली की सफदरजंग वेधशाला ने अधिकतम तापमान के 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान लगाया है। दिल्ली के कई हिस्सों में मंगलवार को लगातार पांचवें दिन भीषण लू का प्रकोप था। दिल्ली के 11 मौसम केंद्रों में से 5 ने मंगलवार को लू की स्थिति दर्ज की थी। मौसम विशेषज्ञों ने मजबूत वेस्टर्न डिस्टरबेंस की कमी और लगातार गर्म और शुष्क वेस्टर्न हवाओं को मौजूदा गर्मी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस दौरान स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने बताया कि एक ताजा वेस्टर्न डिस्टरबेंस उत्तर भारत के कई इलाकों में दस्तक देगा, जो एक चक्रवात को प्रेरित करेगा। इसके चलते पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं इसका असर राजधानी दिल्ली में भी दिखाई दे सकता है, जिससे तापमान में मामूली गिरावट आएगी, जो दिल्ली वासियों को राहत दे सकती है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी और चढ़ते पारे ने लोगों को जहां एक ओर घर में रहने को मजबूर कर दिया है, वहीं दूसरी ओर मौसम में आने वाली गिरावट से दिल्ली वालों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी। फिलहाल हमारी इस खास खबर में आज के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।